तो नमस्कार, मेरा नाम है मुकेश और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मुक्कू वर्मा। इस वीडियो में आपको अमेजोन पे ICICI क्रेडिट कार्ड के बारे में जानकारी देने वाला हूँ। आप अप्लाई करने की सोच रहे हैं या अप्लाई करने वाले हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिए, लास्ट तक देखिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो में मुझे क्या क्या परेशानी हुई है मैं बताने वाला हूँ। आपको क्या करना होगा, आपको डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो तैयार करके रखने होंगे, दो फोटो, आधार कार्ड, पैन कार्ड और सैलरी स्लिप फॉर्म 16 अगर आप सैलरी हैं, या ITR और 3 महीने का स्टेटमेंट अगर आपकी सैलरी आती है। तो ये आपको जो है डॉक्यूमेंट्स आपको ज़रूरत पड़ेगी ऑफलाइन KYC में। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये मेरे पास स्लिप है, एप्लीकेशन नंबर ये है, एम्प्लॉय सिग्नेचर ये है और ये यहाँ पे ये आपके सिग्नेचर हो जाएंगे। तो इस स्लिप इस प्रकार से मिलने वाली है। आपको अप्लाई करने से पहले क्या करना होगा, आप पूरा जो है डिटेल्स फिलअप कर दीजिए आपकी आधार कार्ड से जो भी है। आधार कार्ड से आपका मोबाइल नंबर अटैच होगा और OTP थ्रू वेरीफाई हो जाएगा। वीडियो मैंने पहले ही बना दी है तो वीडियो आप देख सकते हैं, आई बटन पे आपको दे दूंगा। आपको अप्लाई करना है, अप्लाई करने के बाद आपको KYC का ऑप्शन आएगा, तो वीडियो KYC आएगा और डोर स्टेप KYC आएगा। तो डोर स्टेप KYC ना चूज़ करें, आप वीडियो KYC करें। इसमें आपको क्या करना होगा, पैन कार्ड, आधार कार्ड और सिग्नेचर करने के लिए एक मतलब पेपर और पेन, अपनी इनकम जो भी आपकी इनकम है उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स जो है लेके रखिए, वो अपलोड आपको करने होंगे। आपका तुरंत अप्रूवल हो जाएगा। अगर आप डोर स्टेप KYC चूज़ करते हैं तो KYC के होने के बाद 21 दिन का टाइम लगने वाला है, 21 दिन का टाइम लगेगा। उसके बावजूद भी आपका जो है कार्ड जो है वो अप्रूवल नहीं होगा, कोई ना कोई दिक्कत आने वाली होगी इसमें। जैसे कि मेरे साथ दिक्कत हुई तो क्या हुआ, जो एग्जीक्यूटिव आया था सारे डॉक्यूमेंट्स पिकअप करके ले गया, आधार कार्ड की फ़ोटो स्टेट पर सिग्नेचर करा के नहीं ले गया। फिर मैंने अपॉइंटमेंट सिलेक्ट किया, रीशेड्यूल किया, मतलब दोबारा किया कि आपका जो है इनकम्प्लीटेड है, डॉक्यूमेंट्स दोबारा वेरीफाई होंगे। फिर उसके बाद मैंने कस्टमर केयर पर भी बात किया तो उन्होंने कहा आधार कार्ड पर नाम लिख के मेल ID पर भेज दीजिए, मेल ID मैं आपको दे दूँगा। फिर उन्होंने कहा कि ये नहीं, अब एग्जीक्यूटिव के द्वारा जो है रीशेड्यूल कीजिए अपॉइंटमेंट, फिर आप दोबारा करिए। फिर उसके बाद आज जो है 17 तारीख हो चुकी है और ये इससे पहले 14 तारीख का था, मैंने फ़ोन भी किया, फ़ोन भी नहीं उठाया, तो जो है फिर मैंने व्हाट्सएप ही कर दिया, तो मुझे काफ़ी दिक्कत का सामना हुआ। अभी तक मेरा जो है कार्ड अप्रूवल नहीं हुआ है, पेंडिंग में है अभी। तो ये आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, ये मेरे साथ हुआ। तो मैंने सोचा आप लोगों को जो है मैं फिर जो है वो शेयर कर दूँ ताकि आप लोगों को आगे दिक्कत ना हो। मेरे हिसाब से तो आप वीडियो KYC ही चूज़ करिए तो आपको इसमें काफ़ी बेनिफिट मिलने वाला है। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पसंद आने पे इसे डिसलाइक कर सकते हैं। और वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।